फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा मॉम एंड ब्यूटी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। चलिए, आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ और आप बने रहे हमारे साथ चैनल पे और देखते रहे न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है कि जो नेक पे और एल्बो पे जो डार्कनेस होती है उसको कैसे क्लीन किया जाए, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि हमारे नेक पे और एल्बो पे या नी एरिया पे क्यों डार्कनेस आ जाती है, क्यों पूरा डार्क हो जाता है ये एरिया, इसके बारे में। तो ज्वेलरी शूट नहीं करती इस वजह से भी डार्कनेस आ जाती है, या समटाइम क्या होता है, कुछ लोग टैल्कम पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और आफ्टर स्वेटिंग वो क्या होता है, पूरा यहीं पे जम जाता है और डार्क लाइंस बन जाती है, डार्कनेस आ जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये डार्कनेस हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, चाहे आप जॉब पे जा रहे हो या आप कुछ और वर्क कर रहे हो, या आप एक हाउस वाइफ हैं या जॉब पे हैं या कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं, आप उसको आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितनी इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं, 5 मिनट में रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहें मेरे साथ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लेमन, नाइफ, सॉल्ट, बाउल, बेकिंग सोडा, या आप इनो पाउडर भी ले सकते हैं या बेकिंग सोडा ले सकते हैं, पेस्ट, कोई भी पेस्ट हो सकता है लेकिन व्हाइट होना चाहिए। आप कोलगेट यूज कर सकते हैं, बबुल यूज कर सकते हैं, कोई भी, एनी वन, लेकिन वो होना व्हाइट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेमन लेना है और उसको कट करना है, उसका हमें छोटा सा पार्ट चाहिए। तो पूरा हाफ हाफ करके कट नहीं करना है, आपको लेमन वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल, इजीली कट कर लेना है। उसके बाद सॉल्ट लेना है, उसको लेमन पे लगाना है। उसके बाद लेमन को आपको ऐसे दबाते रहना है ताकि उसका जो जूस है वो बाहर आता जाए और आप उससे ऐसे मसाज करते जाए। पूरा अच्छे से आप मसाज कर लें प्रॉपर 2 मिनट तक। और वो
बहुत ज्यादा हॉट वाटर नहीं लेना है, वार्म वाटर लेना है आपको, गुनगुना पानी लेना है, उसमें हैंकी को डिप करना है, निचोड़ना है और सिंपली ऐसे लपेट लेना है। उसके बाद सेम प्रोसेस आप एल्बो पे भी करेंगे। आप एल्बो पे भी कोई भी कॉटन का कपड़ा गीला करके वार्म वाटर में उसको लपेटना है। उसके बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और आप जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसको कर लीजिए और इसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए। जैसे ही ठंडा होने लगे आप वापस से इसको रिमूव करें, फिर से वार्म वाटर में डीप करें। अब हमें एक बाउल में पेस्ट को डालना है। जितने भी कार्ड पे आपको यूज करना हो उतनी क्वांटिटी आप ले लीजिए। इसके बाद हाफ स्पून बेकिंग सोडा डालना है आपको, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। देख सकते हैं नेक पे एक ही बारी में कितना फर्क आ गया है, डार्कनेस जो है वो काफी हद तक रिमूव हो गई है। अगर हम इस तो वीक में दो बार करेंगे तो 4 या 5 times यूज करने के बाद ये बिल्कुल खत्म। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि एक ही बारी में ये पूरी डार्कनेस निकल जाएगी, लेकिन 4 या 5 times यूज करने के बाद ये डार्कनेस जो है वो काफी हद तक रिमूव हो जाएगी। तो बिलीव मी आप इसको ट्राई करें। बाकी आप जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये जो है कितना कारगर है। आप खुद लाइव प्रूफ देख सकते हैं यूज करने से पहले की पिक्चर और अभी की पिक्चर आप खुद देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अच्छी अच्छी वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों को मिलती रहे तो आप बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बाय, थैंक यू।